नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2021 में जो हिंदी विषय में आपके नया टॉपिक ऐड किया गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जी हाँ दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये वीडियो रहेगा जिसमें आपको 9 से 12 तक की जो पाठ्य पुस्तक चलती है हिंदी व्याकरण की, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्वयं की पाठ्य पुस्तक है, उसमें से हमने ये जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिए हैं। निश्चित रूप से आपको पेपर में इनमें से ही वाक्यांश के लिए एक शब्द मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जिसे आर पार देखा जा सके, पारदर्शी कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतरण में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं, बड़े ध्यान से इनको साथ साथ में देखिएगा ताकि आपको याद भी हो जाएंगे। और यदि इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम रेवंत राज मैथमेटिक्स पर मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहला है सत्य बोलने वाला, तो सत्यवादी उसके लिए एक शब्द रहेगा। जो सहनशील हो, सहिष्णु, बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास। देखिए, बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, उसके लिए अंधविश्वास एक वाक्य के लिए एक शब्द होगा। अगला है धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हो, अतृप्त। दो भाषा जानने वाला या बोलने वाला, ये इम्पोर्टेंट है, उसे द्विभाषिया कहा जाता है। दो भाषा जानने वाला या बोलने वाला, उसके लिए एक शब्द है द्विभाषिया। आगे है जिसको अनुभव हो, अनुभवी। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जिसे क्षमा न किया जा सके, असमय। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो, अवैध। जो कानून के अनुसार नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, अवैध कहा जाता है। आगे है जो बिना वेतन काम करे, अवेतनिक। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसको गिना न जा सके, अगणनीय। जो इस लोक का न हो, अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए, अध्यापक। जो अत्याचार करता हो, अत्याचारी। जो अत्याचार करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अत्याचारी होगा। इसी प्रकार से आगे और हैं, जिसकी सीमा न हो, असीम। जिसका कोई सहायक न हो, असहाय। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जो छोड़ा न जा सके, अनिवार्य। जो संभव न हो, असंभव। जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम्य। जिसका नाम न हो, अनाम। इसी प्रकार से जो हिंसा में विश्वास रखे, जो अहिंसा में विश्वास रखे, अहिंसावादी। आगे बढ़ते हैं तो जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो परिचित न हो, अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला, आशावादी। आलोचना करने वाला, आलोचक। जो अपनी ओर आकृष्ट करे, उसे आकर्षक। जो अपनी जीवनी लिखे, आत्मकथाकार। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो अपनी जीवनी स्वयं लिखे उसे आत्मकथाकार कहा जाता है। आगे है आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। नई खोज करना, आविष्कार। जो नए जमाने का हो, आधुनिक। दूसरे देश से मंगाना, आयात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। दूसरों का आभार मानने वाला, आभारी या कृतज्ञ। छोटा भाई, अनुज। बड़ा भाई, अग्रज।
आकाश में दिखाई देने वाला 7 रोगों का धनुष इंद्रधनुष, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, जिसका हृदय विशाल हो, उदार, जो ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त, हम लिखते ना उपयुक्त, उपयुक्त प्रश्न में, तो जो कहा गया हो, जो ऊपर कहा गया हो उसे उपयुक्त। आगे है जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी, जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है, औषधालय, कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु, कलाकृति, जो अपने काम में होशियार हो, कार्य कुशल, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्ट साध्य, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार, गलत मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गी। इसी प्रकार से आगे है ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, दूसरों के उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। ये दोनों काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, किए गए उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ, और दूसरों के उपकार को न मानने वाला उसके लिए कृतघ्न। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात, जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। इसी प्रकार 7 नंबर से आगे देखेंगे, जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं, कारखाना, जो अंदर से खाली हो, खोखला, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणि, जो किसी को न सुहाता हो, खटकना, सामान खरीदने वाला, ग्राहक या खरीददार। गणित के बारे में जानने वाला, गणितज्ञ, जो गणना योग्य हो, गण्य या गणनीय। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी, जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें, गोपनीय। गायों को पालने वाला, गोपाल। गायों को चराने वाला, ग्वाला। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। नगर में रहने वाला, नागरिक। बीमार का इलाज करने वाला, चिकित्सक। जो चित्र बनाता हो, उसके लिए एक शब्द है चित्रकार। चक्र के आकार में सेना की रचना करना, उसको कहते हैं चक्रव्यूह। अगला है छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान, छात्रोपयोगी। आगे है छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि, उसके लिए है छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव, जलचर, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसके लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। आगे है जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला, ज्योतिषी, जिसे देखकर डर लगे, डरावना। तप करने वाला, तपस्वी, दूर की देखने या सोचने वाला, दूरदर्शी, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। आगे है जिस पुत्र को गोद लिया गया हो, दत्तक पुत्र, ठीक है ना, दत्तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम, जो समझने में कठिन हो, दुर्बोध, जिसका आचार विचार अच्छा नहीं हो, दुराचारी। इसी प्रकार से आगे 93 से, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ, दूर के सोचने वाला, दूरदर्शी, जिसे करना कठिन हो, दुष्कर, धर्म को चलाने वाला, धर्म प्रवर्तक। मांस ने खाने वाला, निरामिष, मांस ने खाने वाला के लिए एक शब्द है निरामिष। ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए है ना, ईश्वर में विश्वास न रखने वाले के लिए नास्तिक। जो अभी पैदा हुआ हो, नवजात। जिसके पास धन न हो, निर्धन। नष्ट होने वाला, नश्वर। रात में विचरण करने वाला, निशाचर। जिसमें ममता न हो, निर्मम। जिसमें ममता न हो उसके लिए एक शब्द है निर्मम। जो भयभीत न हो, निर्भीक। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। नया आया हुआ व्यक्ति, नवागंतुक। जिसमें संदेह न हो, निसंदेह। बहुत मेहनत करने वाला, मेहनती या परिश्रमी। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने न हो, परोक्ष। प्रदेश में रहने वाला के लिए एक शब्द प्रवासी। दूसरों पर उपकार करने वाला के लिए एक शब्द परोपकारी।
जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता हो, पाश्चात्य। इसी प्रकार आगे 116 से, दूसरे लोक से संबंधित पारलौकिक, पतियों की बनाई कुटिया पर्ण कुटी, 15 दिनों का समय पक्ष या पखवाड़ा, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, जिस जानवर को पाला जाता हो पालतू, पुराने जमाने का प्राचीन, प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, पुस्तकों के लिए घर पुस्तकालय, किसी उक्ति को दोहराना उसे पुनरुक्ति कहते हैं एक वर्ड में। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से 125 से आगे देखेंगे हम, दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी। देखिए ये जितने भी हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की के हैं, तो आपको 100% इनको इम्पोर्टेंट मानना है, इनमें से ही आपको मिलने वाला है। हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाथ से लिखी पुस्तक के लिए एक शब्द है पांडुलिपि, जो बहुत कम कीमती हो, बहुमूल्य, बहुत बोलने वाला वाचाल, नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि, जो पहले का हो, भूतपूर्व, मांस खाने वाला मांसाहारी, कम खर्च करने वाला मित व्ययी, जहाँ रेत ही रेत हो मरुभूमि, महीने में एक बार होने वाला मासिक, मर्म को छूने वाला मार्मिक, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, जो लोगों को प्रिय हो लोकप्रिय, वर्णों की माला या सूची वर्णमाला, वर्ष में होने वाला वार्षिक, जिसका विवाह हो गया हो विवाहित, विष्णु का उपासक वैष्णव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विष्णु का उपासक उसके लिए एक शब्द है वैष्णव। आगे देखेंगे, जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, हंसी मजाक करने वाला विदूषक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कानून द्वारा मान्य हो वैधानिक, शक्ति का उपासक शाक्त, शिव का उपासक शैव, जो सगा भाई हो सहोदर, एक ही जाति के लोग सहजातीय, जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय, अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। इसी प्रकार सत्य बोलने वाले के लिए एक शब्द सत्यवादी, संगीत का ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द संगीतज्ञ, एक कक्षा में पढ़ने वाले सहपाठी, सेवा करने वाला के लिए एक शब्द सेवक, जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। इसी प्रकार से कुछ और देर के हैं, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो हर स्थान पर प्राप्त हो सर्वव्यापक, जो सहन करने में समर्थ हो सहनशील, जो स्वयं सेवा करता हो स्वयं सेवक, अपने राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय, हिंसा करने वाला हिंसक, अपने दस्तखत हस्ताक्षर, हंसने हंसाने वाला हंसोड़। तो दोस्तों ये 164 जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्वयं की पाठ्यपुस्तक में दे रखे हैं, तो इनको हमने कंप्लीट किया। अब इससे संबंधित जो इसके चैप्टर के लास्ट में जो सवाल दे रखे हैं उनको देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये दिए गए हैं कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, जल में रहने वाला अभी देखा था हमने, जिसमें ममता न हो, और इसके साथ साथ जिसे सामान्य किया जा सके ऐषम्य, जो इस लोक का न हो पारलौकिक, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, ये आपको खुद को भरने हैं, जिसके हाथ में चक्र हो मांस न खाने वाला, और विश्वास में ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो ये सारे दोस्तों हमने देखे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक में थे, और अगला हम टॉपिक जो है बाद में शाम को पढ़ेंगे, कौन सा वो पढ़ेंगे दोस्तों, आपके जो नया जुड़ा है विराम चिन्ह, इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह दिए गए हैं और किस प्रकार से उनको पढ़ना है। तो चैनल पर जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं उनसे संबंधित लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।